हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की वीडियो में जो हम लोग क्लास नाइन्थ का वर्कशीट नंबर फोर करने वाले हैं, क्लास नाइन्थ का विज्ञान का वर्कशीट नंबर फोर करने वाले हैं, जिसमें हमें धातु और अधातु के बारे में पढ़ना है। देखो, जैसा कि पता है आपका, अभी जो है चैप्टर से वर्कशीट नहीं आ रहा है। सारा ये जो वर्कशीट है अभी आपका एक कॉमन बेस पे आ रहा है, जो बेसिक चीज़ जो आप लोग एट्थ में नाइन्थ जो पढ़े हैं कॉमन चीज़ उससे आ रहा है। तो आज हमें धातु और अधातु के बारे में पढ़ना है, जो कि आगे क्लास में भी आप लोग पढ़ोगे। तो देखो, ये सब जो धातु और अधातु है इसके बारे में अगर जो आप लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्लास एट्थ में वीडियो बना रखे हैं और वहाँ पे अपलोड भी कर रखे हैं, तो वहाँ से करना। आपको हम सीधा जो है आज की वर्कशीट का जो क्वेश्चन है ना, हम सीधा वो कराते हैं, ठीक है। तो पहला जो वर्कशीट में क्वेश्चन दिया हुआ था, उन धातुओं का नाम लिखिए, उस धातु का नाम लिखना जो उन अधातुओं का नाम लिखना था सॉरी जो श्वसन के लिए आवश्यक है, फिर जल में कीटाणु का शोधन में प्रयोग होता है। मतलब एक ऐसा अधातु का नाम लिखना है जो हमारे सांस लेने के लिए, मतलब हम लोग सांस क्या लेते हैं, देखो नॉर्मल आपको पता होगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन क्या है, एक तरह का अधातु है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है क्या है, एक तरह का अधातु है, ठीक है बच्चों। तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा। उन अधातुओं का नाम बताइए जो सांस लेने के लिए आवश्यक है, तो आप लोग क्या लिखोगे आंसर में, ऑक्सीजन। बी में जो था बच्चों, पानी कीटाणु शक के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि पानी में कीटाणु नाशक के लिए प्रयोग किया जाता है, तो क्या है, क्लोरीन। क्या है, क्लोरीन, ठीक है बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है टू, कौन से धातु और अधातु जो है रूम टेम्परेचर पे, मतलब एक न्यूनतम तापमान पे, देखो यहाँ पे ना हम गूगल ट्रांस कर रहे थे, सीधा कॉपी में कमरे का तापमान हो गया, मतलब एक सामान्य तापमान पे तरल रूप में मौजूद होता है। तो धातु में बुध हो गया, धातु में देखो आप लोग सॉरी यहाँ पे पारा लिखोगे, क्या लिखोगे, पारा, यानी कि मरकरी बोलते हैं, मरकरी को हिंदी में बोलते हैं पारा। तो आप लोग क्या लिखना है बच्चों, पारा, ठीक है। यहाँ पे मरकरी था, हिंदी में बुध कर दिया, और अधातु को क्या था, ब्रोमीन। अधातु में क्या आ जाएगा, ब्रोमीन, ठीक है। तो ये दो ऐसे, एक धातु में पारा एक ऐसा धातु है जो अपने एक सामान्य तापमान पे भी क्या होता है, यहाँ पे एक जो है कमरे के तापमान पे भी वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, और अधातु में ब्रोमीन है जो, ठीक है बच्चों। तीसरा क्वेश्चन, तन्यता और अघात वर्ध्यता को परिभाषित करें। तो तन्यता क्या होता है कि धातुओं को पतले तारों में खींचे वाले गुण को तन्यता कहते हैं। मतलब ऐसा धातु जिसे हम खींच के पतली तार में खींच सकते हैं, उससे वैसे गुण को तन्यता कहते हैं। अघात वर्ध्यता क्या होता है, जिसे हम पीट कर पतली चादर में बदल सकते हैं। तो पीट कर पतली चादर में बदलने का गुण को अघात वर्ध्यता कहलाता है, ठीक है बच्चों। उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ रहा है। कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होता है, मतलब मैक्सिमम ज़्यादातर जो अधातु होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, मतलब वो पास नहीं होने जाता है, लेकिन एक ऐसा धातु अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, उससे विद्युत पास करता है। तो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या होता है पता है बच्चों, पेंसिल में जो होता है ना आपका, देखे होंगे जिससे लिखते हैं, निक होती नुक होती है, वो ग्रेफाइट का होता है, तो वो चालक होता है। तो ग्रेफाइट एक अधातु है जो विद्युत का सुचालक है, आप आंसर में यही लिखोगे, ठीक है बच्चों। और आज का जो आखिरी देखो प्रश्न है, धातु और अधातु ऑक्साइड का प्रकृति क्या होगा। जो धातु अधातु ऑक्साइड क्या होता है, कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो धातु ऑक्साइड का निर्माण करता है, ठीक है। तो धातु ऑक्साइड का प्रकृति क्षारीय होता है, जबकि अधातु जो अधातु ऑक्साइड होता है, यहाँ पे देखो दो बार धातु आ गया, अधातु ऑक्साइड का प्रकृति अम्लीय होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको जो समझ में आ रहा होगा, और आज से वर्कशीट से रिलेटेड जो भी ये पांच क्वेश्चन है आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगा, आप लोग किएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो कैसा लगा लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगे तो जरूर बताना, कुछ सजेशन देना चाहते हैं फिर भी बताना। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक आप लोग घर पर सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।